गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में हमारा थर्ड लेक्चर है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, अर्थात हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। सामान्य हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन एटम को अन्य फंक्शनल ग्रुप्स या वैकल्पिक समूहों के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो बनने वाले पदार्थ हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। आइए देखते हैं। अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिया जाए तो जो पदार्थ बनते हैं उनको अल्काइल कहते हैं, जो मूलक होते हैं। इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ दिया जाए तो अल्कोहल बनते हैं, जिनका जनरल फार्मूला है ROH, और अल्काइल को R से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मेथेन, एक हाइड्रोजन हम हटाएंगे, बनेगा मिथाइल। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ेंगे तो बनेगा मेथेनॉल, जिसका सामान्य नाम है मिथाइल अल्कोहल। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, इथेन, एक हाइड्रोजन इसमें से हटाएं, इथाइल रेडिकल बनेगा, जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ने पर बनेगा C2H5OH, अर्थात एथेनॉल, जिसका सामान्य नाम है एथिल अल्कोहल। अन्य फंक्शनल ग्रुप से भी हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स बनते हैं अल्कोहल के अलावा। वो मुख्य फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं? CHO, हाइड्रोजन के स्थान पर CHO ग्रुप जुड़े तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसमें सामान्य नाम के बाद सफिक्स अल लगता है। कीटोनिक ग्रुप जुड़े तो सफिक्स ओन लगेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़े तो सफिक्स ओइक एसिड लगेगा। ईथर ग्रुप जुड़े, ईथर, तो नाम इसका एल्कोक्सी अल्केन होगा। जितने कार्बन वाला अल्केन होगा उसके आधार पर एल्कोक्सी अल्केन होगा। ये अमीन है और सफिक्स भी अमीन लगता है। ये अमाइडो ग्रुप है, जिसमें नाम के पश्चात सफिक्स भी अमाइड लगता है। देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स। एल्डिहाइड CH3, मिथाइल मूलक के साथ CHO लगे तो यह है मेथेनल। सामान्य नाम है इसका एसिटल्डिहाइड। इसमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि मेथेन में से ई हटाना है, ANE में से ई हटा के AL लगाना है, क्योंकि दो वोवेल एक साथ नहीं आते। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, C2H5CHO, ये है एथेनॉल।
ये दोनों नाम गलत बताएं, दो कार्बन होगा तो ये है एथेनल, क्योंकि नाम इनके कार्बन की संख्या पर आधारित होते हैं और कार्बन की संख्या तीन हो गई है, दो यहाँ और एक यहाँ, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। और मेथेनल वाला फर्स्ट केस हम देखें तो यहाँ CHO ग्रुप हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, तो कार्बन एक होने से इसका नाम होगा मेथेनल। कार्बोक्जिलिक एसिड में देखते हैं, हाइड्रोजन के साथ COOH ग्रुप जुड़ा हो तो इसका सामान्य नाम है फार्मिक एसिड, और IUPAC नाम है एक कार्बन है इसलिए मेथेन ई हटा के OIC लगाना, मेथेनोइक एसिड। दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH3COOH, सामान्य नाम एसिटिक एसिड और IUPAC नाम दो कार्बन है इसलिए एथेनोइक एसिड। कीटोन में एग्जांपल देखते हैं, सामान्य नाम एसीटोन और तीन कार्बन है इसलिए IUPAC नाम प्रोपेनॉन। सब में जो सफिक्स लगा रहे हैं उसमें ई हटा के लगाएंगे सफिक्स। और देखते हैं एग्जांपल ईथर CH3OCH3, सामान्य नाम डाइमिथाइल ईथर, IUPAC नाम मिथॉक्सी मिथेन। इसका एक और एग्जांपल डाइएथिल ईथर और इसका IUPAC नाम दो और दो, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है इसलिए IUPAC नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन, सामान्य नाम इसका डाइएथिल ईथर और यही सामान्य ईथर कहलाता। एक एक एग्जांपल अमीन और अमाइड का भी देखते हैं। CH3NH2 IUPAC नाम मेथेनामीन, सामान्य नाम मेथिलामीन। और अमाइड में अपन देखें यह दो कार्बन हो जाते हैं इसलिए क्या हो जाएगा IUPAC नाम एथेनामाइड, और इसका सामान्य नाम है एसीटामाइड। तो ये थी कुछ जानकारियाँ हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न की। इनकी आगे और भी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं हम आपको अगले वीडियो में देते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।